भूल भुलैया 2 और सच्चे प्रेम की कथा के बाद कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन मूवी आ रही है, जिसका भी ट्रेलर आया है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि चंदू चैंपियन की पूरी स्टोरी मुरलीकांत पेटकर जी के लाइफ पर बेस्ड होगी। मुरलीकांत पेटकर जी पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीता था, जिन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है 1967 के आर्मी हॉस्पिटल उधमपुर से, जहां बताया जाता है कि कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर को 1965 की जंग में उन्हें 9 गोलियां लगी थी। उसके बाद वो 2 साल तक कोमा में ही थे। कोमा से उठने के बाद वो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का गला पकड़ लेते हैं दुश्मन समझकर। फिर इसके बाद उन्हें समझाया जाता है कि तुम हिंदुस्तान में हो। मुरलीकांत पेटकर जी का बचपन से ही सपना था कि वो बड़ा होकर एक चैंपियन बनेंगे, चैंपियन नहीं कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, जिसके लिए उसे ओलंपिक में जाना पड़ेगा क्योंकि यहीं से तो उसे गोल्ड मेडल मिलेगा। बट इसमें शायद उसकी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो अपनी फैमिली के सामने जब भी ओलंपिक की बात करता है उसे तमाचा पड़ता है, लोग हंसते हैं। लेकिन इन सब को प्रूव करके दिखाने के लिए वो फौज में जाता है ताकि उसके थ्रू ओलंपिक में जाए, जस्ट लाइक भाग मिल्खा भाग की तरह। इसमें कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर को बॉक्सर स्विमर दोनों फील्ड में दिखाया गया है। अब इनमें से वो कौन से फील्ड में गोल्ड मेडल लाता है और कैसे लाता है, ये सब आपको मूवी में पता चलेगा। मे बी ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और इसमें जिस तरह से फाइट सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, खासकर इसके बॉक्सिंग फाइट्स और ट्रेनिंग करने का जुनून जो गूजबम्स देते हैं। कार्तिक आर्यन का ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा ही शॉकिंग है, क्योंकि हमने इन्हें अभी तक लव स्टोरी मूवीज में ही देखा है, बट अब वो एक्शन करते हुए भी दिखे हैं, जो कि सुपर्ब है। इवन इसमें कॉमेडी भी बहुत ही अच्छी है, जैसे एक जगह कार्तिक आर्यन फ्लाइट में ना जाने वाला डायलॉग बोलते हैं, बादल कैसा धड़ाम भुड़ुम आवाज कर रहा है कल जाते हैं, और अगला बोलता है प्लेन तो अपने बाप का है, वहाँ पास भाई हंसी जरूर आती है। वैसे इस मूवी को कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी हिट मूवीज दी है, बजरंगी भाईजान से लेकर टाइगर तक, और ट्रेलर में भी इनकी मेहनत दिख रही है। बस इस बार पाकिस्तान को स्टोरी में ज्यादा ना घुसाया जाए, क्योंकि इससे लोग उठ चुके हैं। वैसे कबीर खान की 83 मूवी जो रियल स्टोरी पर बेस्ड थी वो तो नहीं चली, बट ये मूवी जो रियल स्टोरी पर बेस्ड है उसे लोगों के सामने ऐसा रखे कि स्टार्टिंग को ही देखने पर मूवी अच्छी लगने लगे।